दोस्तों ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल से जुड़ने के लिए आपको नीचे दी गई रेड कलर की सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना है। उसके बाद नोटिफिकेशन बेल बन करके आएगी, उस पर आपको क्लिक करना है। फिर उसके बाद तीन ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर आएंगे, सबसे ऊपर का ऑप्शन जो ऑल है उस पर आपको दबा ले। नमस्कार दोस्तों, ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल की आज शाम की सच्ची खबरों में आप सब भाई बहनों का स्वागत है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सब वीडियो को समझेंगे, लाइक करेंगे और शेयर करेंगे। आज का दिन बहुत ही ज्यादा यहां पर सोचने वाला, और आप सब दुआ करो कि कल जो कोर्ट में सुनवाई है आंगनबाड़ी बहनों, उसमें हम सबकी जीत हो, ऐसी दुआ करो। तो हम आगे आपको बताना चाहेंगे, ये जो हमारे सुपूजन भाई जी हैं उन्होंने भी पोस्ट डाली और काफी ग्रुपों में भी हमारे पास ये कोर्ट का मैटर आया है, यानी कल सुनवाई लगी है आंगनबाड़ी बहनों जो भी 62 वर्ष की हैं, उनको रिटायर सरकार तो उसी के खिलाफ याचिका डाली गई थी। और याचिका डाली थी वर्कर्स फ्रंट के अध्यक्ष हैं दिनकर कपूर जी, तो उन्होंने डाली है हाई कोर्ट में जनहित याचिका, तो उन्होंने दाखिल की थी अपनी 1 तारीख को। तो उसी के संबंध में कल 4 तारीख को उनकी कोर्ट में सुनवाई लगी है, हाई कोर्ट में लखनऊ खंडपीठ में है। तो आपको बता दूं इलाहाबाद वगैरह में नहीं, तो लखनऊ में है। तो हम बताना चाहेंगे ये रहा कोर्ट का वो आदेश, यहां पर संख्या वगैरह भी पड़ी है, कोर्ट का नंबर यहां पर देख लीजिए 1, और साथ ही सब कुछ लिखा हुआ है। मैं आपको सीधा और भी बताना चाहूंगा, ये लेटर काफी जगह मिल जाएगा, फिलहाल इसमें आप सब तो क्या जानोगे और हम सब क्या जानेंगे, कोर्ट का आदेश है अपने, पता नहीं किस किस हिसाब से क्या ये संख्याएं पड़ी हुई हैं, लेकिन हम इतना जानते हैं कि कोर्ट में कल हम लोगों की सुनवाई है। अब देखते हैं कल हम लोग जीतते हैं या फिर कल हारते हैं। कल यदि हम लोगों की जीत हुई तो पूरे उत्तर प्रदेश की बहनों आप लोगों की 62 वर्ष की समस्या शायद खत्म हो जाए, और यदि कल हम हारते हैं तो समझ लीजिए आने वाला समय भी हम लोगों का बेकार जाएगा। फिर कोई भी लड़ने के लिए जाएगा वो जीत करके नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि यदि एक बार ये याचिका मान लीजिए खारिज हो गई, सुनवाई इस पर हो गई और जो भी डिसीजन लिया गया, मान लीजिए कोर्ट ने हमारे खिलाफ जो है डिसीजन दे दिया, हम लोगों के पक्ष में फैसला नहीं सुनाया गया, तो हमेशा जब भी सुनवाई होगी, याचिका डाली जाएगी, कोई भी एक्स वाई जेड डालेगा, तो क्या होगा, तो उसी याचिका को जो खारिज हो चुकी, जैसे मान लो कल जो सुनवाई होगी यदि इसमें अच्छा होगा तो अच्छा है, यदि गलत हो गया, फैसला हम सबके हक में नहीं आया, तो हमेशा उसी का हवाला देकर के सारी याचिकाएं खारिज कर दी जाएंगी। तो हम यही चाहते कि आप सब दुआ करो कि दिनकर कपूर जी जो कोर्ट गए हैं 1 तारीख को और उनकी कल 4 तारीख को सुनवाई है, तो ये कल जीत जाएं तो सारी समस्या ही खत्म हो जाए, सब बहनों को उनका हक अधिकार मिल जाए। तो हम यही चाहते हैं कि कल हम सबकी जीत हो। लेकिन हम यहां पर एक और कहना चाहूंगा, ये देख लीजिए जिन लोगों को ना यकीन हो कि कल सुनवाई है तो उनके लिए है ये सब, ये आप देख सकते हो। तो कल दरअसल ये पिटीशन डाली गई थी, तो उसी के संबंध में ये सब आ रहा है। नितिन कुमार मिश्रा जी हैं काउंसिल वगैरह पेट वगैरह के, तो हम बता दें आपको, ये देख लीजिए डेट ऑफ फिलिंग वगैरह भी पड़ी हुई है 1/9/2020 यानी 1 सितंबर, साथ ही टू बी लिस्टेड वगैरह ऑन है, ये 4 तारीख आप देख सकते हो, कोर्ट नंबर भी एक ऐसे पड़ा हुआ है। तो सुनवाई कल लगी है आंगनबाड़ी बहनों आपके मुद्दों को लेकर के। ऊपर यहां पर आप देख भी सकते हो लखनऊ में भी ये सब कुछ होने वाला, लखनऊ में ही खंडपीठ में सुनवाई वगैरह है। हम बताना ये चाहेंगे आप लोगों को कि जानकारी अब क्या आ रही है। देखो कुछ लोग सवाल भी उठा रहे हैं, उनका सवाल उठाना भी जायज है, और ऑल इंडिया हमेशा सच्चाई दिखाता है, तो हमारा फर्ज भी है हर आवाज को आप तक लाना, जो भी सवाल मुद्दे उठते हैं उनको यहां पर लाया जाए, ताकि भविष्य में आंगनबाड़ी बहनों की कभी भी कहीं से भी जो यहां पर गलती ना हो, यानी गलत ना हो सके, उनके साथ में अच्छा ही हो। तो यहां पर जमीर अहमद भाई हैं, उन्होंने भी सवाल किया है इसी मैटर को लेकर के, क्योंकि कल सुनवाई है और यदि हमारे दिनकर कपूर भाई जी यदि जा रहे हैं, अच्छा होगा यदि उनके पास अच्छे अच्छे बिंदु हो, अच्छी फाइल तैयार की हो और बढ़िया मुद्दों के साथ में वो लड़ने के लिए जा रहे हो, ताकि हम लोगों को जीत मिले, हम वहां हारे ना, बस यही एक डर है। यदि हार जाते तो पूरा खेल खत्म हो जाएगा और आगे भी जो भी लड़ना चाहेंगे उनका भी खेल खत्म हो जाएगा। इसीलिए यहां पर काफी भाई बहनों के मन में चिंताएं हैं, जैसे जमीर अहमद भाई कहना चाहते हैं कि दिनकर कपूर जी बहनों के लिए कोर्ट गए हैं उसके लिए धन्यवाद, क्या बता पाएंगे, उन्होंने कौन कौन से आदेश वगैरह जजमेंट लगाए हैं, उन्हें सार्वजनिक करें, हो सकता है कोई भाई बहन के सुझाव वगैरह भी निकल कर आ जाए और बहनों के हित में वो साबित हो। सुना है वो कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के कई जजमेंट बताए जा रहे हैं, लेकिन हमने आज तक आंगनबाड़ी के बारे में कोई जजमेंट वगैरह नहीं सुना है, और अगर किसी के पास हो तो ग्रुप में डालें, सभी दुआ करें कि बहनों को हक मिल जाए। देखो चिंताएं हैं और चिंता का होना जायज है, क्योंकि यदि सही बिंदु सही फाइल नहीं बनी और कोर्ट में सही मुद्दों के साथ लड़ाई नहीं लड़ी गई तो हम सब हार भी कर सकते हैं। तो हमारी दुआएं यही हैं और आप सब भी दुआ करो अच्छे बिंदु उनके पास हो और अच्छे तरीके से फाइल उन्होंने बनाई हो और अच्छे तरीके से वो जीत दिलाएं। यदि कुछ रह जाता है, क्योंकि हमको नहीं पता किन बिंदुओं के साथ लड़ाई वो लड़ रहे हैं और क्या उनकी फाइल है, और जिस तरह से उनका ये हमारे पास सामने बातें भी ग्रुपों में हो रही हैं, चर्चाएं निकल के आ रही हैं सब कुछ कि यहां पर जो है जजमेंट की बात कर रहे हैं, जो है सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट की, जबकि सुप्रीम कोर्ट में कोई जजमेंट वगैरह ऐसे कुछ है ही नहीं। सुप्रीम कोर्ट में कभी आंगनबाड़ी के इस तरह के मुद्दे वगैरह को लेकर के सुनवाई जजमेंट वगैरह आए ही नहीं है, ऐसा लोगों का भी मानना है। तो फिलहाल के लिए जो भी है, जो लोग चाहते हैं हमारे काफी यूनियन वाले जो भी अपनी तैयारी में थे वो भी चाहते हैं कि कम से कम सुझाव ले लें और सुझाव दे दें क्या क्या कैसे बिंदुओं के साथ वो जा रहे, ताकि कुछ गलत ना हो, जो भी हो अच्छा हो। ये देखिए हमें भी चिंता है,
और आप सबका भी भविष्य है, हम नहीं चाहते कुछ गलत हो। और इन बातों को यदि हम छुपाएंगे तो कल को यदि हार जाते हैं तब भी आप कहोगे कैसे बिंदुओं के साथ कोर्ट इंसान गया था। तो भाई देखो अभी जानकारियां नहीं है कि इन बिंदुओं के साथ भाई हमारे जा रहे हैं, उम्मीद है कि भाई अच्छा बिंदु लेकर के ही जा रहे होंगे। फिलहाल जो भी होगा कल देखा जाएगा। और मैंने वैसे भी जो है यहां पर ज्यादा बात करना इन मुद्दों पर छोड़ दिया है क्योंकि लोग जो है गलत आरोप लगाते हैं। उस दिन ही मैंने कहा चार पांच बहनें थी उन्नाव की, वो अपना कोर्ट गई थी, किसी यूनियन ने उनको लेकर के गए थे। नाम तो खोल नहीं सकता क्योंकि वो उनको बुरा लग जाएगा और पता नहीं किस आधार पर वो ले गए, लेकिन उन्होंने जिस कोर्ट का हवाला देकर के उनको लेटर थमाए हैं वो पुराना है, वो 2019 के अकॉर्डिंग का था। मैंने वो उन्होंने बाद में हमको शाम को भेजा लेटर में, तो उन्होंने लिखा था ना कि आप कहना तो भेज देंगे, तो हमने मांगा था तो भेजा है। फिलहाल तो उनको मिल गया, लेकिन वो कोर्ट का स्टे टाइप का सिंपल सिंपल है, एक एक का शासनादेश नहीं है। और कोर्ट में जैसे दिनकर जी जा रहे हैं और भी यूनियन तैयारी में थे, तो यहां से सभी बहनों को इकट्ठा लाभ मिलेगा यदि हम लोग जीतते हैं। तो हम चाहते हैं कि हमारी जो है कल जीत हो, वही हमारे लिए खुशी की बात है। तो हम इसी की जो है उम्मीद में है। और बाकी भाई बहनों आप सब अपना अपना देखना, हम बता दें यहां पर देख लीजिए हमारे पास एक और जानकारी है, 3 सितंबर का यह आदेश देख लीजिए भाइयों बहनों, आज ही जारी हुआ है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग वगैरह दिनांक 4/9/2020 को कल होने जा रही है, समय 12:15 है। तो 12:15 पर लिखा हुआ है, गरिमा यादव है विशेष सचिव उत्तर प्रदेश शासन में, उन्होंने यह आदेश जारी किया। देखो पूरा वीडियो देखोगे तो वाकई में कह रहा हूं जानकारी मिलती रहेगी। अब यह लेटर जो आज ही जारी हुआ है मैं आज ही आप लोगों को दिखा रहा हूं, कल मीटिंग है सब बता रहा हूं, और भी आदेश हैं, यदि पूरा देखोगे तो भाई सब पता चलता रहेगा। थोड़ा समय निकाल लिया करो, मैं इतनी मेहनत करता हूँ आपको खबरें जो है दिखाने के लिए, आपकी जानकारी आप तक पहुँचाने के लिए, आप भी तो देख सकते हो। मैंने देखा है जन्म तिथि फीड कराने को लेकर के अब जाकर के काफ़ी जिलों में बहनों को ऑर्डर आ रहा सुपरवाइजर का कि हाई स्कूल की मार्कशीट वगैरह लेकर के आ जाओ और मार्कशीट के अनुसार जो आपकी जन्म तिथि ये सब कुछ चढ़ाया जाएगा। और मैंने 7-8 दिन पहले बता दिया कि जन्म तिथि फीड कराई जाएगी, निदेशालय से आदेश निकला था। तो वही कहते हैं ना, देखा करो तो पता चलता रहेगा। 3 सितंबर का आदेश है, हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। समस्त जिलाधिकारी लोगों को यह आदेश गया है और लिखा है माह सितंबर 2020 को राष्ट्रीय पोषण माह के रूप में आयोजित किए जाने के संबंध में है। साथ ही ये भी देख लीजिए 31/8/2020 जिसके द्वारा माह सितंबर 2020 को राष्ट्रीय पोषण माह के रूप में आयोजित किए जाने के संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश वगैरह दे दिए गए हैं। मैं आपको एक और बात बता दूं, उत्तर प्रदेश में आपका लेटर जो है गतिविधियों वाला वो आ गया है। सितंबर माह में 6 तारीख तो राष्ट्रीय शोक मनाया गया है उत्तर प्रदेश में, बाकी मध्य प्रदेश में नहीं है, बाकी किसी राज्य में शोक नहीं मनाया गया प्रणब मुखर्जी जी का, लेकिन उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय शोक मनाया गया है 7 दिन का और 6 तारीख तक जो है गतिविधियां बंद है। 7 तारीख से जो कैलेंडर है वो 7 तारीख से कैलेंडर इस बार जारी होकर के आया, मैं आप लोगों को कल लेकर के वो कैलेंडर आ रहा हूं। फिलहाल आप ये देख लो जो देख लीजिए क्योंकि ये कल हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय अपना मीटिंग करने वाले। लिखा है इस संबंध में मुझे कहना है कि जो है प्रदेश में पोषण माह सितंबर 2020 के सफल आयोजन के लिए कल माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में यानी 4 तारीख को अपराहन 12:15 से लेकर के 1 बजे तक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की जाएगी और इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में पोषण अभियान के कन्वर्जेंस विभागों के अपर मुख्य सचिव प्रमुख सचिव वगैरह भी उपस्थित रहेंगे। अतः पोषण के सहयोगी विभागों के जनपद स्तरीय अधिकारियों के साथ उक्त वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में प्रतिभाग करना सुनिश्चित करें। तो यहां पर कल गरिमा यादव जी का ये आज लेटर जारी हुआ ये कल के लिए क्योंकि कल मीटिंग होने जा रही है, मुख्यमंत्री महोदय करने वाले हैं शुभारंभ आपका, यही जो राष्ट्रीय पोषण अभियान होने वाले ना मां मंगना जाएगा सितंबर का, उसी के संबंध में अपना वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करेंगे। साथ ही राजकुमारी बहन है, फोटो उन्होंने भेजी है आंगनबाड़ी केंद्र की अपनी। साथ ही एक और ये लेटर जारी है शामली जनपद में, आप लोग चाहो जो शामली से भाई बहन है चाहो तो इसके बारे में हमें जानकारी और दे सकते हो। 20 तारीख इसमें डेट पड़ी हुई है, पत्र संख्या 207 पड़ी हुई है और समस्त जो है यहां पर प्रभारी बाल विकास परियोजना अधिकारियों को यह लेटर भेजा है कार्यालय जिला कार्यक्रम अधिकारी ने और इसमें लिखा है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय वृद्धि संबंधी सूचना उपलब्ध कराने के संबंध में। पता नहीं मानदेय वृद्धि किस टाइप का है, यह 1500 प्रोत्साहन की बातें कही जा रही है या किसी और तरीके की, तो इसके बारे में यदि कहीं कहीं कुछ लेटर आया है बहनों आपसे कुछ मांगा गया है कुछ जानकारियां निकल के आई है शामली जनपद में, शामली जनपद की बात कर रहा हूं, तो आप लोग मुझे व्हाट्सएप जरूर करना ताकि और जानकारियां इकट्ठा की जाए। ये देख लीजिए विषय जो है यहां पर लिखा है उपयुक्त विषय आपको निर्देशित किया जाता है कि आप अपनी परियोजना के अंतर्गत आने वाली आंगनबाड़ी पर तैनात आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के मानदेय वृद्धि सूचना संलग्न प्रारूप पर तैयार कर तत्काल अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। अब पता नहीं मानदेय वृद्धि वो किस टाइप की वो बात कर रहे हैं और ये 20/8/2020 देख लीजिए डेट पड़ी हुई है। तो जो भी है आप सब भाई बहन जो सामने से आप इस लेटर की सच्चाई बताइए, हमारे काफी ग्रुपों में मैं बार बार मैं इसका जिक्र कर रहा हूं यानी देख रहा हूं, काफी लोग पूछ रहे हैं कैसा लेटर है, तो हम चाहते हैं कि आप सब भी कुछ जानकारी दो जिसको पता हो। और
ये देखिए, नमस्ते सुधांशु भाई, शकुंतला बहन है हमारी, आइए देखते हैं क्या कहना चाहती है। कासगंज जनपद है, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के दस्तावेज वगैरह तलब कर दिए गए हैं। कासगंज से हमारी बहन है, जिला कार्यक्रम अधिकारी ने बाल विकास खंड स्तरीय अधिकारियों से इसके बारे में ब्यौरा भी मांगा है। दरअसल कैसे संभालेंगी व्यवस्था, जिले भर की 8 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की सेवा समाप्ति की पत्रावली तैयार है और उनके मानदेय पर रोक लगी है। ऐसे में संबंधित आंगनबाड़ी केंद्र पर अब कार्यकर्ता नहीं पहुंच रही है, वहां नौनिहालों को पुष्टाहार वितरण की भी जो है समस्या हो रही है। हालांकि विभिन्न जो है संबंधीकरण से पुष्टाहार व्यवस्था को दुरुस्त करने की कवायद जो है चलाई जा रही है। अब दूसरी बहनों से काम लिया जा रहा है डबल डबल चार्ज देकर के। अब चाहिए क्या था कि सरकार भाई भर्ती करती और भी लोगों को रोजगार देती। बहुत से भाई बहन भर्तियों का इंतजार कर रहे हैं बेचारे, उनको मौका मिलता। आगे देखिए लिखा है, बाल विकास विभाग में फर्जीवाड़े का मामला सामने आने के बाद खलबली मची है। विभाग में अब जिले भर की सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के दस्तावेजों की जांच कराएगा और जिला कार्यक्रम अधिकारी ने बाल विकास विभाग के खंड स्तरीय अधिकारियों से भी सभी कार्यकर्ताओं का ब्यौरा तलब जो है लिया है और मूल दस्तावेज मांगे हैं। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के दस्तावेज फर्जी पाए गए हैं, ये अब तक इन्हीं कागजात के सहारे मानदेय लेती रही है। अब विभाग जो है यह खंगाल रहा है कि किस कार्यकर्ती से ने जो है कब से मानदेय लिया है और इस फर्जीवाड़े वगैरह सामने आने पर विभाग ने जांच का दायरा आगे बढ़ाया है। जिले भर की सभी कार्यकर्ताओं के शैक्षणिक और मूल दस्तावेजों की जांच शुरू करा दी गई। जिला कार्यक्रम अधिकारी ने विकास खंडवार कार्यकर्ताओं का ब्यौरा भी तलब कर दिया है। तो आपके कासगंज जनपद में अब सभी आंगनबाड़ी बहनों आप लोगों के जो अभिलेख है उनकी जांच कराई जाएगी। काफी लोगों के जो है कागजात फर्जी निकले थे, इसी के संबंध में जानकारी। अजय कुमार है जिला कार्यक्रम अधिकारी, उन्होंने कहा है कि जिले भर की सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के दस्तावेजों की जांच कराई जाएगी। सभी CDPO यानी बाल विकास जो परियोजना अधिकारी से विकास खंडवार ब्यौरा मांगा है, जिसके भी दस्तावेज फर्जी होंगे उसके खिलाफ विभागीय कार्रवाई भी की जाएगी। तो ये एक जानकारी कासगंज जनपद में आ रही है। आगे हो सकता है और भी जनपदों में इसी तरीके का जो है सरकार मुहिम चला दे और मौका भी मिल जाएगा बहुत सी बहनों को नौकरी से निकालने के लिए। आगे बता दें, देख लीजिए, घर घर जाकर के लिया जाएगा बच्चों का वजन, ये भी देख सकते हो। जागरण संवाददाता मेरठ की तरफ से खबर छपी है, राष्ट्रीय पोषण माह के तहत आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का घर घर जाकर सभी बच्चों का वजन भी करेंगी। गर्भवती महिलाओं को घर घर जो है जाकर के पोषण आहार का वितरण भी किया जाएगा। राज्य पोषण मिशन उत्तर प्रदेश के महानिदेशक ने माह सितंबर को राष्ट्रीय पोषण माह के रूप में मनाए जाने के निर्देश दिए हैं और मैंने निर्देश भी आप लोगों को बहुत पहले दे दिए हैं। साथ ही हालांकि पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के निधन के चलते इसमें एक सप्ताह की देरी हो गई। वही चीजें मैंने दिखाया था कि एक सप्ताह अभी नहीं कार्यक्रम मनाया जाएगा, राष्ट्रीय शोक हो गया है। देखो जाल इंडिया जो बताता है वो सच बताता है और मैं आपको पहले बता देता हूं। मैंने देखो आदेश आपको दिखा दिया था, शायद कल या परसों में ही दिखाया है। अब यहां पर आप देखो अखबारों में आज हमारे पास बहनों के माध्यम से वही खबरें आ रही है निकल करके। तो बहुत से लोग जो इंतजार करते हैं ना कि अखबार में निकले तब माने, तो भाई अखबार में जरूरी नहीं है कि हर खबर अखबार में आपके सरकारी आदेश निकल ही जाए। तो अगर भरोसा है तो देखो, वरना भरोसे पर दुनिया टिकी है, आपकी मर्जी है। आगे देखिए, इसमें गंभीर तीव्र जो कुपोषित बच्चे हैं उनकी पहचान भी की जाएगी। CDPO जो है लिखा हुआ ईसा दुल्हन ने कहा है कि कोरोना के चलते इस बार खास सावधानियां बरतने के निर्देश दिए गए। हम एक बात और बता दें, माननीय मुख्यमंत्री जी की कल मीटिंग है, उसके बारे में बता ही दिया। अब साथ ही देखिए, अशफाक आलम भाई हमारे बिहार से हैं और अपने स्तर से उन्होंने अच्छा प्रयास किया। ट्विटर अकाउंट पर उन्होंने आंगनबाड़ी बहनों की आवाज लगाई, आप देख लीजिए। आंगनबाड़ी सेविका सहायिका आशा दीदी रसोईया दीदी जीविका दीदी को परमानेंट करे सरकार और इसके लिए जो आवाज उठनी चाहिए। और ये देख लीजिए, हमारे भाई को बहुत बहुत धन्यवाद, जिस स्तर से वो प्रयास उठा सकते हैं उन्होंने ट्विटर अकाउंट से अपनी आवाज उठाई है। आगे देखिए, ये मोहम्मद नाम से हमने नंबर सेव कर रखा, अशफाक मोहम्मद भाई हमारे हैं। साथ ही बताना चाहेंगे, उन्होंने ये भेजा भी था, हमारी जो बहनें जो केसरिया वगैरह में धरने पर बैठी हैं बिहार में और 31 तारीख से बैठी हैं। साथ ही बता दें, एक और मैसेज देख लीजिए, नीता बहनें बिजनौर वगैरह से, उन्होंने भी भेजा है और टीकाकरण वगैरह उनके वहां चल रहा है। साथ ही एक और ये मैसेज देख लीजिए, प्रतिमा बहन है, उन्होंने भेजा है, सभी प्रखंड अपनी परियोजना में धरना कार्यक्रम तेजी से करते हुए पेपर को जो है यहां पर कुछ उन्होंने कहा, लिखा है कि दिनांक 4 तारीख को यानी कल के दिन जो है रूनी सैदपुर वगैरह में धरना कार्यक्रम होगा। सभी सेविका मास्क जो है लेकर के पहुंचेंगी, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए अपनी मांगों के समर्थन में कार्यक्रम वगैरह किया जाएगा। समय जो है समय 12 बजे है, सभी अपनी पंचायत को खबर दें, समय से जो है पहुंचे। किरण कुमारी बहन अध्यक्ष हैं और बिहार में ये बुलाया जा रहा है, रूनी सैदपुर की जो भी आसपास की बहनें अपना धरने में शामिल होंगी। आगे बता दें, लालमणि बहन है, उनका भी फोटो आया है अपने केंद्र का, आप देख सकते हो। तो आगे बताना चाहेंगे, कुछ और जानकारी उन्होंने नीचे भी लिखी है कि समस्त भाइयों को सूचित किया जाता है, कुछ व्यक्ति घर जाकर के LED बल्ब का वितरण कर रहे हैं और 10 रुपया ले रहे हैं, साथ ही आप आधार कार्ड फिंगर वगैरह भी लगवा रहे हैं। ऐसी गलती ना करें क्योंकि इससे आपके बैंक बैलेंस वगैरह खाली हो जाएंगे। यह जानकारी जनतन तक जो है पहुंच जाए और आप सब सुरक्षित रहें, ये जानकारी बहन ने दी है, तो अच्छी बात है। साथ ही बता दें, 31 जो है तारीख से हड़ताल पर हमारी बहनें हैं और केसरिया वगैरह से ये खबर छपी थी। तो आज का वीडियो कैसा रहा, उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। बाकी देखिए, कोर्ट से बस सकारात्मक सोचिए, अच्छे मांगों को लेकर के यदि हमारे दिनकर जी जा रहे हैं तो बहुत बहुत बधाई है, कल वो जीत करके ही आए और हम सब बहनों को खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा कल। तो हम चाहते हैं कि अभी थोड़ी दुआएं भी कर लो, शायद कुछ जहां पर कमियां रह गई होंगी ऊपर वाला उन्हें भी ठीक कर देगा। तो जो भी होगा,
तो देखा जाएगा दुआओं में बड़ा असर होता है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कल हमारी बहनों को उनका हक शायद मिल जाए पूरे उत्तर प्रदेश के लिए। और अकेले अकेले मैंने फिर कहा था बहनें कोर्ट के चक्कर में मत भागें, वकीलों को क्या है, वो तो पैसा चाहते हैं। एक एक बहन 10-10 हज़ार खर्च करे, कितना पैसा खर्च होगा, कितना कमाएंगे वो लोग, और जरूरी नहीं है कि वो हमेशा के लिए रहेगा। यदि कल हम लोग जीतते हैं कोर्ट में तो शायद शासनादेश बनाने का आदेश जाएगा निदेशालय को, निदेशालय स्तर से शासनादेश बनेगा तो आगे वाली आने वाली जो पीढ़ी में आंगनबाड़ी बहनें हैं जो भी रिटायर भविष्य में आप सब होंगी तो आपको भी उसका लाभ मिलेगा, तो ये अच्छा रहेगा। तो हम चाहते हैं कि यदि वो कोर्ट गए हैं अच्छे बिंदुओं के साथ में, यदि गए हैं तो अच्छी बात है, मुझे तो नहीं पता भाई किन बिंदुओं के साथ गए।